नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ग्रिप में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ अनबॉक्सिंग लेके, जो कि एक अनबॉक्सिंग है डिजिटल वेइंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने अमेजोन से लगभग 300 रुपये में मंगवाया है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और देखेंगे कैसा है दिखने में और कैसी है इसकी क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है अमेजोन की, हर बार की तरह। इस प्राइस रेंज में तो काफी अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। इस पे कुछ भी वे कर सकते हैं, 10 किलोग्राम तक, 10 किलोग्राम तक इसकी कैपेसिटी है। इस साइड से खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका डिजिटल वेइंग मशीन। ये कुछ यूजर गाइड इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं। बेसिकली ये एक डिजिटल किचन स्केल है, जिसका यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो आप इसको किचन के प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कर देते हैं साइड पे। और आपको इसमें बैटरी भी मिलेंगी, तो जो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। तो ये रहा हमारा वेइंग मशीन। बैक साइड तो प्लास्टिक ही है, जो आप देख सकते हैं। हैंग करने के लिए भी दिया गया है यहाँ आपको। तो या ये आपको इजीली स्टोर कर सकते हैं, कहीं पे वॉल पे माउंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। ये कुछ बटन्स दिए गए हैं यहाँ पे, ऑन ऑफ मोड टेयर। चलिए दोस्तों इसको ऑन करके देखते हैं। ये रहा इसका बैटरी डालने की जगह। दोस्तों कुछ इस तरह से को लेगा ये, और ये इसमें हम बैटरीज डालेंगे। हम देख सकते हैं, और इसको हम यहाँ से, जी हाँ ये देखो दोस्तों क्लोज हो गए। इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है। ये देखिए, हम यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं। इसको नीचे रख देता हूँ। आप इस पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये स्टेपलर रखा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं आराम से 62 ग्राम। कुछ भी आप इस पे वे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे इस प्राइस रेंज में। 10 किलोग्राम तक का वेट आप इस पे वे कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ ये बुक रखी है यहाँ पे, देखिए 455 ग्राम्स। तो यहाँ से ऑन ऑफ होगा, देखिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। तो दोस्तों अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।